पंजाब प्रदेश में बसों के जरिए नांदेड़ के हजूर साहिब से श्रद्धालुओं को लाया जा रहा है। कई जिलों में इस जत्थे में शामिल लोगों के टेस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी लड़ी में जिला फतेहगढ़ साहिब में भी देर रात हजूर साहिब से 13 श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा था और इन सभी के सैंपल लेकर चंडीगढ़ लैब में भेज दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आज शाम या कल सुबह तक आ जाएगी। यह जानकारी सिविल सर्जन फतेहगढ़ साहिब के NK अग्रवाल ने दी। सिविल सर्जन ने बताया कि जत्थे में पहुंचे सभी 13 श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के नजदीक बनी एक सराय में बने कमरे में क्वारंटाइन किया गया है। साहब दे विच तकरीबन टोटल 13 यात्री आए है। 13 यात्री राती एक स्पैशल बस के राही 11:30 बजे इतने हस्पताल लियाए गए थे। उन्होंने उस वेले सारी डॉक्टर्स की टीम ने चैक किया, उस तो बाद उन्होंने सैंपल्स लिते गए। तो उन्होंने सैंपल्स नू कंप्लीट करके असी अज सवेरे चंडीगढ़ लैब दे विच MTech लैब सानू अलॉटड हैगी है, उस लैब दे विच उह सैंपल्स अज असी लगवा दिते है। तो जिहड़े ये हजूर साहब तो लोग आए हुए हैं, इन्हों गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड जी क्वारंटाइन स्पेस हैगी उत्थे उन्होंने रख्या गया। यह जी गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब है, उन्होंने कोल सराय हैगी है, उत्थे 50 रूम्स हैगे, अटैच्ड बाथरूम एंड बिल्कुल अच्छे आइसोलेशन च है। दे फील मोर कंफर्टेबल देर नहीं, इस चीज़ के बारे डिटेल मैंने नहीं पता भी कि पर साढ़े जिला फतेहगढ़ साहब है। हाँ जी, हाँ सरहद फतेहगढ़ साहब के भी हैं, मंडी गोबिंदगढ़ के भी हैं, सारे रला मिला के 13 लोग हैं। बाकी जिहड़ा एक पहला आया सीगा नंदेड़ साहब तो आए सीगे, एक लेडी तकरीबन कोई 7 दिन पहला आई सी, उन्हू भी बुला के कल सैंपल लिता सी। एक लड़का कोटे दा आया सीगा, उहदा भी सैंपल लिता सी, दोनों टेस्ट नैगेटिव आए। फतेहगढ़ साहिब से अमित शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।